बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260093666। आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो महिला के घर में रेप और लूट की नियत से घुसे, उसे मारकर बॉडी के साथ ही गंदे काम को अंजाम दे। उसे इंसान नहीं शायद पिशाच ही कहा जाएगा। जी हाँ, ये घिनौना काम हुआ एमपी के कटनी जिले के माधव नगर थाना क्षेत्र में, जहां गांधी मार्केट में बुजुर्ग महिला के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया तो ये बात निकल कर सामने आई। इस बात को सुनकर लोगों का दिल दहल गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने खुद इस बात को कबूल किया है। एडिशनल एसपी मनोज केडिया के मुताबिक बीते 2 जून को माधव नगर स्थित गांधी मार्केट में निवासरत एक महिला की डेड बॉडी उसके घर में मिली थी, जहां शरीर पर चोट के निशान होने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। तभी पुलिस को लोगों से पता चला कि मर्डर की दरमियानी रात मृतिका महिला के घर के पास संदेही अविनाश बजाज नामक व्यक्ति को देखा गया था। पुलिस ने घटना स्थल के पास गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें कातिल साफ साफ दिखाई दिया, जिसके आधार पर अविनाश बजाज की तलाश कर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बुजुर्ग के घर पर बुरी नीयत से घुसा था, जहां मारपीट करने के बाद गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। वहीं इसके बाद बॉडी के साथ अपनी हवस भी मिटाई। इस सब के बाद उनके कान के सोने की बालियां, नाक की लौंग के अलावा अलमारी में रखे कुछ रुपए ले जाना कबूल किया है। माधव नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया, जिसके पास से लूट का सामान भी जब्त किया है। और 2 जून की दरमियानी रात 1 बजे लगभग गांधी मार्केट के पास 65 साल की एक महिला जो उनके घर में अकेली थी, जिनका नाम है कमला सरेचा, उसकी हत्या होने की सूचना पर हमारे थाना माधव नगर की टीम और वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल यूनिट सब मौके पर गए और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल शुरू की। मृतिका अकेली रहती थी, लगभग 65 साल की उम्र है और उसके साथ उसके सिर पर गंभीर चोट थी, जो प्रारंभिक दृष्टि से देखने से पता चलता था कि उसकी हत्या हुई है। क्योंकि शहर के अंदर एक महिला के साथ हत्या के मामले को पुलिस ने तत्परता से गंभीरता से लेकर इसकी जांच पड़ताल शुरू की। उसने हमें एक संदेही अविनाश बजाज के बारे में हमें मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई, तो घटना दिनांक समय के आसपास वहां देखा गया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत साक्ष्यों को एकत्र करके आरोपी को हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना में उसने उस नितिका के साथ गलत काम करना, उसके कान और नाक से सोने की कुछ बालियां छीनना, घर की तलाशी में 1700 रुपये उसको नकद प्राप्त हुए थे, वो भी हम लोगों ने उससे अभी जब्त किया है। और इस तरह हमारी पुलिस टीम ने तत्परता से अंधी हत्या को 2 दिवस में ढूंढ के निकाला है, आरोपी को पकड़ा है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम दिए जाने की घोषणा की। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पहले से उसके कोई पुराने संबंध थे। सागर टीवी न्यूज के लिए कटनी से अमर ताम्रकार की रिपोर्ट। बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260093666।